अभी हम जा रहे हैं फ्रूट मार्केट में, और अरसे के बाद ना आज इस टाइम हम निकले हैं लाइक शाम के टाइम, और मैं ले रही हूँ अपनी चाय ली हमने पहले यहाँ से रुक कर पेट्रोल स्टेशन से, और पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, इतना महंगा पेट्रोल तो मैंने कभी नहीं देखा यहाँ पे। आजकल मिल रहा है 4 दरहम का पर लीटर, और नॉर्मली इसकी प्राइस है 2 लीटर, 2 से भी कम आई थिंक। इतना महंगा कर दिया है इन्होंने, इतना महंगा डबल प्राइस कर दिया है, पता नहीं लोगों को क्या तकलीफ है। और महर, यू हैविंग योर ड्रिंक? इज योर फेवरेट ड्रिंक इट्स चॉकलेट मिल्क शेक? अभी मैं यहाँ पे आई ना तो मैं चाय ले रही थी, मैंने महर से पूछा कि मैं तुमने क्या लेना है, तो कहती है आई वांट चॉकलेट मिल्क शेक। तो फिर इरफान लेने गए। अच्छा अभी मैंने कहा इरफान चाय लेके आया ना, तो मैंने कहा खाली चाय, साथ कुछ भी नहीं, मैं खाली चाय लूंगी। तो अभी वो मेरे लिए कुछ ले, ये क्या लेकर आया? क्रोसन, मेरा फेवरेट है क्रोसन। हालांकि आजकल मैं फुल टाइम डाइट में हूँ, लेकिन कभी कभी वीकेंड में तो चलता है ना, डेफिनेटली चलता है। तो अभी हम जा रहे हैं फ्रूट मार्केट में। फ्रूट्स लेने, क्योंकि एक जगह मैंने सुनी है, एक ब्लॉगर को मैंने देखा है कि वो कह रही है पाकिस्तानी फ्रूट्स मिल रहे हैं, पाकिस्तानी मैंगो, फाल से, जामन, ओ माय गॉड, मेरी दिल की धड़कन कहीं रुक ना जाए। तो अभी हम वहाँ जाके पहले फ्रूट शॉपिंग करते हैं, और आपने साथ रहना है, मैंने आपको दिखाऊंगी पाकिस्तानी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं, हम भी सब बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो मार्केट है ना, इस जगह का नाम है मीना मार्केट इन अबू धाबी, ठीक है? अबू धाबी में हमें भी रिसेंटली ही पता चला है इस जगह के बारे में, और यहाँ पे मैं आज, मतलब ये जो वीडियो बना रही हूँ ना, ये हम फर्स्ट टाइम गए हैं, इसके बाद तो हम एक दो दफ़ा और जा चुके हैं, हमें इतनी अच्छी जगह लगी है। यहाँ पे इतने फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं। अच्छा, जो शॉप मैं बता रही हूँ ना, उसका नाम है उस्मान एंड लतीफ़, ठीक है? ये पाकिस्तान की शॉप है, आपको यहाँ से पाकिस्तानी फ्रूट्स वेजिटेबल्स फ्रेश मिलेंगी। तो हमने यहाँ से इतने मज़े के मैंगोस लिए, सिंदरी मैंगो है इसका नाम। तो इनके पास बहुत सारे, बहुत किस्म के मैंगो थे, लेकिन सिंदरी मैंगो सो गुड, इतने मीठे के मैं बता नहीं सकती हूँ। उसके अलावा जामुन मिले, जामुन इतने फ्रेश थे, इतने अच्छे लगे, ये मैंने लाइक लाइफ में फ़र्स्ट टाइम खाए हैं, हमें इतने अच्छे लगे। थोड़े से ड्राई होते हैं, लेकिन अगर आप ब्लैक सॉल्ट उसमें डाल के खाओ ना, तो क्या मज़ा आता है। उसके अलावा इन्होंने कहा कि हमारे पास फाल से ख़त्म हो चुके हैं, जैसे ही आए थे इनका स्टॉक फिनिश हो चुका है, नेक्स्ट स्टॉक जो आ रहा है वो सैटरडे को आ रहा है। तो हमने उनको कहा कि हम बहुत दूर से आए हैं, प्लीज़ हमें कहीं से मैनेज कर दें। तो उन्होंने दो संभाल के रखे हुए थे किसी कस्टमर के लिए, तो उन्होंने कहा ये आप ले जाएं, तो जो सैटरडे को स्टॉक आएगा वो हम उनको दे देंगे। मैंने इनका इतना शुक्रिया अदा किया, लेकिन हम दो चक्कर लगा चुके हैं ऑलरेडी यहाँ के, क्योंकि यहाँ का मीट बहुत अच्छा है। यहाँ से मतलब इसी मार्केट में आपको मीट मार्केट भी है, प्लस यहाँ पे चिकन मार्केट भी है, प्लस डेट, यहाँ पे डेट इतनी फ्रेश मिलती हैं। तो हम सो हैप्पी कि हमारे पास ही एरिया में इतना फ्रेश वेजिटेबल मीट मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ के ऑरेंजेस इतने अच्छे थे, बिल्कुल पाकिस्तानी वाले, तो मैं बहुत खुश हूँ। तो ये हमारी रही शॉपिंग, जो कि अभी मैं फ्रूट शॉपिंग, हमें एक बहुत अच्छी जगह मिल गई है, मतलब फ्रूट फ्रेश वेजिटेबल फ्रेश फ्रूट। तो हमने ये चेरीज लिए हैं, स्ट्रॉबेरी बहुत फ्रेश है, बिल्कुल स्मेल, इतनी फ्रेश स्मेल आ रही है स्ट्रॉबेरी की। और ये मैंने लिए है सैलड के लिए, और ये ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम हमने लिया है एग प्लांट, ये मैं दिस वीक ट्राई करने वाली हूँ। बैंगन जिसे कहते हैं, हमने कभी नहीं खाए हैं, तो फर्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं अभी एक लेकर आई हूँ, अगर अच्छा बनेगा तो फिर मैं और लेके आऊँगी। फाल से, जो कि सिर्फ पाकिस्तान से मिलते हैं, काफ़ी लोगों को ना वहाँ पता नहीं था फाल से होते क्या हैं, तो काफ़ी लोग जानते भी होंगे, आई थिंक जो ओवरसीज होंगे उनको तो पता भी नहीं होगा ये क्या होता है। ये फाल से हैं, थोड़े से मुझे फ्रेश नहीं लग रहे हैं, लेकिन जैसे भी हैं मिल गए हैं, और फुल भरा हुआ है ये बॉल, देखो ये लिया मैंने फाल से, इसका तो मैं अभी बना लगी हूँ जूस। और ये मिल गए जामुन, ये बहुत फ्रेश है, ये जामुन भी काफ़ी लोग नहीं जानते होंगे। तो ये मैंगो है पाकिस्तान से, तो फाइनली ये हमारे फर्स्ट मैंगो है, आई थिंक सेकंड मैंगो है जो कि हम खाने वाले हैं इस सीज़न में। और ये ऑरेंज यहाँ के मैंने ट्राई किया, ये हमने वहाँ पे खा के ट्राई भी किया, इतना मज़े का। और ये मुझे इतनी फ्रेश मिल गई ज़ुकीनी, वहाँ से बहुत फ्रेश लगी, तो मैंने फ़ौरन ले ली। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं वेरी सून विद न्यू व्लॉग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।